मालवा यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन इंदौर आदि क्षेत्र के राजा थे महाराणा बख्तावर सिंह। मालवा के इस महान राजा ने पूरे मालवा और समीप के गुजरात से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए 1857 में क्रांति कर दी थी। उनका जन्म महाराजा अजीत सिंह और महारानी इंद्र कुंवर की संतान के रूप में धार जिले के अमझेरा किले में 14 दिसंबर 1824 को हुआ था। मात्र 7 साल की उम्र में उन्हें रियासत की बागडोर संभालनी पड़ी। 33 साल के राजा बख्तावर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ देश में हो रही हलचल को बारीकी से समझने के साथ ही उन्हें खदेड़ने की तैयारी कर रहे थे। 3 जुलाई 1857 को सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा और उनकी क्रांति सेना हर हर महादेव का घोष करते हुए आगे बढ़ी और अंग्रेजों की भोपावर छावनी पर हमला बोल दिया। अरे ये क्या हुआ, अंग्रेज तो बिना लड़े ही भाग खड़े हुए, फिर क्या था। छावनी के शस्त्रागार और कोषागार को अपने कब्जे में लेकर सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उखाड़ फेंका। इसके बाद राजा बख्तावर ने सरदारपुर और मानपुर गुजरी की छावनी पर हमला बोल सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने आसपास लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र में महू, आगर, नीमच, महितपुर, मंडलेश्वर की सैनिक छावनियों को भी तबाह कर दिया। अंग्रेज समझ गए कि राजा बख्तावर को नहीं रोका गया तो मालवा और निमाड़ हाथ से निकल जाएंगे। तब उन्होंने आसपास की छावनियों से सैनिकों को बुलवाकर 31 अक्टूबर 1857 को धार किले पर हमला बोल दिया। राजा उस समय अमझेरा के किले में थे, इसलिए धार किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कर्नल डूरंड ने अमझेरा पर हमले की योजना बनाई, किंतु अंग्रेज सैनिक राजा बख्तावर से इतना डरते थे कि तैयार ही नहीं हुए। इस बीच कर्नल डूरंड ने अमझेरा रियासत के कुछ प्रभावशाली लोगों को जागीर देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और राजा के पास संधि वार्ता को संदेश भेजा। 11 नवंबर 1857 को अपने सैनिकों के मना करने के बाद भी राजा बख्तावर अपने 12 विश्वासपात अंगरक्षकों को लेकर लालगढ़ किले से धार के लिए निकले। कर्नल डूरंड की कुटिल योजना के तहत हैदराबाद से आई अंग्रेजों की घुड़सवार टुकड़ी ने उन्हें रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए राघोगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह ने मऊ छावनी पर हमला बोला, पर सफलता नहीं मिली। यहां से अंग्रेजों ने राजा बख्तावर को इंदौर की जेल में भेज दिया और यातना दी जाने लगी। दिखावे के लिए अंग्रेजों ने 21 दिसंबर 1857 को इंदौर रेजिडेंसी में सुनवाई शुरू की। फरवरी 1858 में राजा को फांसी देने का फैसला सुना दिया गया। 10 फरवरी 1858 को 34 साल के राजा बख्तावर को इंदौर में एक विशाल नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, किंतु भारी भरकम राजा के वजन से फंदे की रस्सी ही टूट गई। नियमानुसार फंदा टूटने पर माफी दे दी जाती है, किंतु राजा को दोबारा फांसी पर लटका दिया गया। उनके 12 विश्वस्त साथियों को भी फांसी दे दी गई। राजा की मौत के बाद उनकी पत्नी रानी दौलत कुंवर ने मोर्चा संभाला, किंतु वे भी अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। राजा बख्तावर सिंह ने जिस इमली के पेड़ को अपने रक्त से सींचा था, वह आज भी हरा भरा बलिदान की अमर कहानी कह रहा है। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।